एक बार फिर हम लोग आए हैं अपनी पूरी इंडस्ट्री के साथ एक तरह से, और सबसे खास बात यह है कि पब्लिक के साथ बैठ के देखने में वो उनकी जो एक फीलिंग होती है, उनके जो रिएक्शन होते हैं, वो हमें पता चलता है कि हमें कहाँ क्या करना होगा, आगे क्या करना होगा, फ्यूचर में आगे जो भी हम लोग काम करें उसको ध्यान में रखते हैं, क्लैपिंग कहाँ होता है, फोकस कहाँ, पब्लिक का एक डिमांड क्या है, उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए अच्छा लगता है उनके साथ बैठ के फिल्म देखना। म्यूजिक की बात की जाए, गीत संगीत जी, इस फिल्म में 8 गाने हैं करीब, और 2-3 गाने जो अपना फिल्म का सिचुएशन वैसा कुछ है जो इच्छाधारी, मतलब सांप से रिलेटेड कोई पुनर्जन्म ऐसा कुछ है कहानी, उसको ध्यान में रख के 2-3 गाने मैंने बनाए हुए हैं। बाकी का जो भी गाना है वो कमर्शियल है, कुछ गाने आपको कहानी से जोड़ेगा, कुछ गाने आपको एंजॉय कर आप एंजॉय करेंगे वैसा। हाँ, ये एक कमर्शियल गाना जो भी है, मैं थिएटर में देख रहा था, पब्लिक काफ़ी रिएक्शन दे रही है उस पर। बारह बजे रात के पहली मुलाकात में, बारह बजे रात के मजा मुलाकात के, ए हो रजा गजबे बुझाला, गरमी बुझाला रानी चलना दुताला, गरमी बुझाला रानी चलना दुताला। कौन क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं? राम भाई भी कर रहे हैं, राम भाई पूछ लीजिए। रोल 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 करो ना। हमने सुपर डुप को रिलीज होने के बाद आज मुंबई में भी पब्लिक पूरी भारी भीड़ के साथ देख रही है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यश जी को, रानी जी को बोलना चाहूँगी कि उनको कांग्रेस करना चाहूँगी कि उनको बधाई हो, फिल्म इतनी सक्सेसफुल हिट जा रही है, और हिट ही नहीं बोल सकते हैं, सुपर डुपर हिट जा रही है, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना कि बिहार में भी फिल्म ने बहुत अच्छी कमाई की है और बहुत अच्छी चली है। और मैं अभी यहाँ पे मुंबई में नवरंग सिनेमा में हूँ, और यहाँ भी मैंने देखा कि ऑडियंस बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है, पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस है, तो उन सबको मैं बधाई देना चाहूँगी। अगर बात करें तो है आज यहाँ पे पब्लिक के साथ यश कुमार जी फिल्म के क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, उनकी फिल्म है तो उन्हें तो पब्लिक के बीच में आज आना ही पड़ेगा प्रमोशन के लिए, तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये सब देख के अच्छा लगता है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी आगे जा रही है और ऑडियंस का इतना अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, तो उनको बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि उन्हें बधाई हो। सबसे बड़ी बात ये बताऊँगी कि यश जी मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और वो हमेशा मेरे किसी फंक्शन में साथ होते हैं, मैं हमेशा उनके किसी भी फंक्शन में किसी भी चीज़ में साथ होती हूँ, तो आज एक दोस्ती के कारण ही मैं यहाँ पे हूँ, तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी और ये कहूँगी कि वो आगे भी अच्छी फिल्में और सुपर डुपर हिट फिल्में देते रहें। क्या हाँ, अभी जहाँ तक कि भोजपुरी की बात अगर करें तो मेरी मूवी आ रही है प्यार की धड़कन, जिसमें पवन सिंह जी हैं और मैं हूँ, अक्षरा जी हैं, तो आई थिंक कभी मैं वापस से इसी नवरंग सिनेमा में अपनी मूवी के लिए भी आऊँगी, और सबकी दुआ चाहूँगी कि सब लोग दुआ करें कि एक दिन मैं अपनी फिल्म के लिए ऐसे ही इंटरव्यू दूँ। मैडम, सोशल मीडिया पे खबरें आ रही थी कि आप अरबाज खान और चंकी पांडे के साथ एक ग्रैंड फैशन आइकॉन में भी भाग ले रही हो, एज ए जज, तो उसकी क्या खबरें हैं, क्या पुष्टि कर रही हो आप? हाँ, मैं कर रही हूँ जज, उसमें अरबाज खान जी हैं, सारा लॉरेंस हैं, एंड काफ़ी लोग हैं, अभी मैं नाम लूँगी तो बहुत लंबा चला जाएगा, एंड चंकी पांडे जी हैं जिनके साथ मैं जयपुर में जज कर रही हूँ, तो अभी डेट थोड़ी सी आगे डिले हो गई है, पोस्टपोन्ड हो गई है किसी रीज़न से, बट कर रही हूँ। मराठी मूवी के लिए भी आपने साइन किया? जी, मराठी मूवी के लिए भी आपने साइन किया सुनने में? जी, मैं मराठी मूवी भी कर रही हूँ, जल्दी उसकी भी न्यूज़ मैं आपको दूँगी। Thank you very much.